उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंच चुके हैं और नए संसद भवन पर आज तिरंगा फहराएंगे। आपको बता दें सोमवार यानी कल से विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है और आज उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ संसद भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। ध्वजारोहण समारोह सोमवार से शुरू होने वाले 5 दिवसीय संसद सत्र से एक दिन पहले किया जा रहा है। इस सत्र में संसदीय कार्यवाही पुराने से नए भवन में स्थानांतरित हो सकती है और तमाम तैयारियां आप देख सकते हैं, सजा लिया गया है नए संसद भवन को और उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए यहां पहुंच चुके हैं और पूरे प्रोटोकॉल के साथ में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। आप देख सकते हैं साथ में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद, तमाम केंद्रीय मंत्री भी यहां मौजूद, कई नेता यहां शामिल होंगे इस कार्यक्रम में और इस ध्वज को नए संसद भवन के गज द्वार के ऊपर फहराया जाएगा। तमाम केंद्रीय मंत्री इसमें मौजूद रहेंगे। और आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें जहां नए संसद भवन के गज द्वार को सजाया गया है और राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद देश की नई शान। आपको बता दें नया ये जो भवन बनाया गया है तमाम सुविधाओं से लैस है, स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर इंटीरियर की मिसाल है और ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपनी आन बान और शान के साथ में अब नए संसद भवन पर लहराएगा, देश का मान बढ़ाएगा। आपको बता दें सरकार का 18 से 22 सितंबर तक चलने वाला विशेष सत्र का आयोजन होने जा रहा है, इससे पहले आज राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा है। उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ नए संसद भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे हैं। साथ में तमाम केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साथ में मौजूद हैं और पूरे प्रोटोकॉल के साथ में विधिवत तरीके से राष्ट्रीय ध्वज नए संसद भवन पर शोभा बढ़ाता हुआ गजद्वार पे से फहराया गया है। साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और गणमान्य लोग भी मौजूद और एक बड़ा दिन आज का देश के लिए जहां नए संसद भवन पर देश की आन बान और शान देश का तिरंगा फहराया गया है। और आज पहली बार तिरंगा फहराया गया है नए संसद भवन पर और एक कयास लगाए जा रहे हैं कि विशेष सत्र भी शायद यहीं पर आयोजित किया जाएगा। पूरे सम्मान के साथ में विधिवत तरीके से राष्ट्रीय ध्वज नए संसद भवन के गजद्वार पर लहराता हुआ और आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और एक प्रोटोकॉल की पालना करते हुए पुलिस और सुरक्षा बलों के तमाम अधिकारी एक और खूबसूरत दिन एक और
गौरवशाली दिन देश के लिए। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। राजीव, एक बड़ा दिन आज देश के लिए, नई संसद भवन पर झंडारोहण किया गया है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ध्वजारोहण, राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण कर दिया इस समय गज द्वार पे। सबसे बड़ी बात यह कि देखिए, नए संसद भवन को लेकर के लगातार चर्चाएं बनी हुई है। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, उसके बाद जो है आज महत्वपूर्ण दिन है नए संसद भवन के लिए, क्योंकि आज गज द्वार पे जो है राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है। इस दौरान देखिए, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं, और 18 तारीख मतलब कल से 18 तारीख से जो है विशेष सत्र बुलाया गया है जो 22 तारीख तक चलेगा। उसके ठीक एक दिन पहले जो है ध्वजारोहण किया गया है। और एक खास बात यह भी है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता मना रहे हैं। ऐसे में जो है एक खुशी की बात यह है, दूसरी खुशी की बात है कि आज जो है पार्लियामेंट में ध्वजारोहण किया गया है। नए संसद भवन में जो है जो जानकारी मिल रही है कि 19 तारीख से सत्र शुरू होगा, 18 तारीख से जो सत्र शुरू होगा वो पुराने संसद भवन में होगा, लेकिन 19 तारीख को बकायदे पूजा पाठ करके नए संसद भवन में जो है सत्र शिफ्ट कर दिया जाएगा, और 22 तारीख तक चलेगा नए संसद भवन में जो है जो विशेष सत्र बुलाया गया है। जी, राजीव, और कौन कौन से बड़े नेता मौजूद हैं? सभी आमंत्रित किए जाते हैं, सर्वदलीय लोग जो है यहाँ पर, वरिष्ठ नेता आमंत्रित किए जाते हैं, कौन कौन मौजूद है? देखिए, इस समय केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, संसदीय कार्य मंत्री है मौजूद हैं, अर्जुन राम मेघवाल मौजूद हैं, और तमाम जो नेता दूसरे दलों के कुछ नेता पहुंचे हुए हैं, कई नेता नहीं पहुंचे हुए हैं, क्योंकि देखिए जहां तक अगर बात किया जाए कांग्रेस पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसकी नेताओं की बैठक इस समय चल रही है तेलंगाना में, तो ऐसे में बहुत से नेता जिस तरह से कहा जा सकता है उद्घाटन के समय नहीं पहुंचे और तमाम तरह के टीका टिप्पणी करते सवाल खड़ा करते रहे, लेकिन सरकार के ऊपर इसका कोई असर नहीं है। सरकार का मानना यह है कि सरकार जो काम कर रही है वो राष्ट्र के लिए काम कर रही है, पार्लियामेंट किसी राजनीतिक दल का नहीं है, देश के लिए बना है, जो भी पार्टी सत्ता में आएगी वो इसमें बैठेगी, तो ऐसे में इस पर इसका विरोध करना या इस पर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज गज द्वार पे जो है तिरंगा झंडा फहराया गया है और कल से जो है विशेष सत्र शुरू हो रहा है। 19 तारीख का दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि 19 तारीख के दिन जो है यहाँ पे जो है सत्र जो है विशेष सत्र है वो शिफ्ट किया जाएगा, और उसके बाद नए संसद भवन में जो है सत्र जो आगामी जो सत्र होगा, चाहे इसके बाद जो शीतकालीन सत्र होता है वो आसार सत्र इसमें शुरू की जाएंगी। जी बिल्कुल, और इस पर राजनीति करना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा, लेकिन ये देखने वाली बात है कि हमारे देश की आन बान और शान, तिरंगा अब इसकी शान फहराएगा, इसकी शान को आगे बढ़ाएगा। गौरवशाली दिन है आज ये पूरे देश के लिए। बिल्कुल, देखिए आज का दिन और ये पल जो है ऐतिहासिक है, क्योंकि आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो है गज द्वार पर तिरंगा झंडा फहराया है। एक सकारात्मक मैसेज देने की कोशिश है, क्योंकि देश का जो राष्ट्रीय पर्व होता है तिरंगा झंडा लहराने का, चाहे 15 अगस्त की बात कीजिए या 26 जनवरी की बात कीजिए, और आज जिस तरह से नए संसद भवन में तिरंगा झंडा फहराया गया है, इसका एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि देश में जो भी गुलामी की निशानी है उसको खत्म कर रहे हैं और खत्म करने की लगातार कवायद में जुटे हुए हैं, तो ऐसे में नए संसद भवन का निर्माण भी इसी क्रम में माना जाता है, क्योंकि जो पुराना संसद भवन है अंग्रेजों के समय का है और अंग्रेजों द्वारा निर्माण कराया गया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में नए संसद भवन का जो निर्माण हुआ है, हालांकि जब निर्माण हुआ तो तमाम तरह की बातें आई, लेकिन नए संसद भवन का जो निर्माण हुआ है वह आने वाले समय को, भविष्य को देखते हुए तैयार किया गया है। उसमें चाहे सांसदों के बैठने की बात कीजिए या तमाम जो आज जो टेक्नोलॉजी का जो जमाना है, कैसे काम करना है, तमाम हाईटेक जो है नया पार्लियामेंट बनाया गया है, और ऐसे में आज का दिन खास महत्वपूर्ण माना जाता है कि तिरंगा झंडा जो है गज द्वार पर फहराया गया है जगदीप धनखड़ जी द्वारा, और अब जो है 18 तारीख से जो विशेष सत्र है 19 तारीख को देखना होगा किस तरह से यहाँ पे पूजा पाठ किया जाता है, किस तरह से सत्र शिफ्ट किया जाता है, और उस दौरान क्या विपक्ष के जो तमाम सांसद हैं वो नए संसद भवन में आने से पहले क्या टीका टिप्पणी करते हैं या प्रधानमंत्री के कार्य प्रणाली को। बिल्कुल राजीव, क्योंकि यह बात सिर्फ भवन में आने की नहीं है बल्कि इस विशेष सत्र से भी जुड़ी है, जहां पर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, विपक्षी दल है वो कितने इसमें शामिल होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, इसके बारे में क्या कुछ अपडेट?
देखिए विपक्षी दलों के बहुत से ऐसे खेमे हैं, क्योंकि अब विपक्षी दल एनडीए गठबंधन बना लिया है और इंडिया गठबंधन बना लिया है, और इंडिया गठबंधन में सभी छोटे बड़े विपक्षी दल शामिल हैं। और इस समय कांग्रेस की जो बैठक है, वह कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक चल रही है तेलंगाना में। तो अब बड़ी बात यह है कि जो काम विपक्षी दल कर रहे हैं तो राय मशवरा के साथ एकजुट होकर के कर रहे हैं। बहुत से ऐसे दल हैं लगातार चाहते हैं इस कार्यक्रम में शामिल होना, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि गठबंधन का सवाल है, इंडिया गठबंधन जो ये लोग बनाए हैं नहीं जा पा रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि सत्र जब शुरू हो रहा है तो उस समय विपक्षी सांसदों का क्या स्टैंड होता है, क्या कुछ करते हैं। और आज का दिन चूंकि महत्वपूर्ण दिन यह है कि आज तमाम जो देखिए केंद्रीय मंत्री इस समय पहुंचे हैं संसद भवन में, और जगदीप धनखड़ जी जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने ध्वजारोहण किया है और एक सकारात्मक मैसेज देने की उनकी तरफ से कोशिश है। आज ही शाम को 4:30 बजे एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है, सर्वदलीय बैठक में चर्चा भी किया जाएगा, क्योंकि तमाम चीजों को लेकर एक दूसरे के ऊपर जो कटाक्ष करने की प्रणाली है उसको दूर किया जाए, और नए संसद भवन में जब 19 तारीख से जब शिफ्ट हो जाए, सत्र विशेष सत्र शिफ्ट हो जाए तो उसको सुचारू रूप से चलाया जाए। जी बिल्कुल, और देखने वाली बात ये भी होगी, लेकिन सीडब्ल्यूसी में इस बात पर भी चर्चा हुई है कि किस तरह से जो INDI गठबंधन है वो बीजेपी को घेरने की कोशिश करेगा, तो हो सकता है वो सभी लोग इस चर्चा में शामिल हो और तब अपनी रणनीति के तहत घेरा जाए। बिल्कुल, देखिए जब सत्र शुरू हुआ, विशेष सत्र बुलाया गया, उस दौरान तरह तरह की बातें सामने आई, वन नेशन वन इलेक्शन या यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये तमाम महत्वपूर्ण जो बिल है उसको लेकर के बातें सामने आई कि विशेष सत्र में इनको पेश किया जा सकता है और सरकार की तरफ से, लेकिन सरकार की तरफ से अपना एजेंडा क्लियर कर दिया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए सरकार ये चाहती है कि नए संसद भवन में जब यह विशेष सत्र चले तो उस दौरान कुछ ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए जाएं जो आगामी समय के लिए, भविष्य के लिए जो है देश हित में हो। तो देखना होगा वो क्या कुछ खास होते हैं, बिल होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी है कि देखिए यह विशेष सत्र जो बुलाया गया है, इस विशेष सत्र के दौरान नए संसद भवन में जो है आजादी के बाद से अब तक का जो लोकतंत्र का कार्यप्रणाली रहा, जो लगातार सरकार के डेवलपमेंट के काम रहे, जो कहा जा सकता है जो एक संवैधानिक यात्रा रही देश में। जी बिल्कुल राजीव, तो देखने वाली बात ये होगा ये जो विशेष सत्र है ये किस तरह से आगे बढ़ता है, लेकिन आज का दिन ऐतिहासिक है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।